हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, त्योहारों में मिठाई की डिमांड बहुत बढ़ जाती है और हम बाज़ार से मिलावटी मिठाई खरीदकर अपनी सेहत ख़राब कर लेते हैं। तो आज हम बनाएंगे 6 तरह की मिठाइयाँ और वो भी बिना गैस जलाए। और ये मिठाइयाँ बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती हैं। मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ काजू कतली, पेड़े, बर्फ़ी और 3 तरह के रोल्स। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी दालिया, इसे भुजना भी कहते हैं और इसे भुना हुआ चना भी कहते हैं, लेकिन ये बिना छिलके वाला होता है। ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और अगर आपको ये दालिया नहीं मिलता है तो आप इस चने से भी ये मिठाई तैयार कर सकते हैं। इस मिठाई तैयार करने से पहले आप इस चने के छिलके निकाल दें, उसके बाद ही इस चने का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दालिया ले लिया है और इसी से हम सारी मिठाइयाँ तैयार करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 3/4 कटोरी देसी खांड ली है। आप इसकी जगह पर 3/4 कटोरी चीनी भी ले सकते हैं, क्योंकि देसी खांड जो है इतना नुकसान नहीं करती है और त्योहारों में मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप मिठाई बनाते समय देसी खांड या मिश्री का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हमने यहाँ पर मिक्सर जार ले लिया है और उसमें डालेंगे देसी खांड। देसी खांड थोड़ी सी दरदरी होती है, इसलिए हम इसे पीसकर इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे 2 इलायची और यहाँ पर मैंने 10 से 15 काजू लिए हैं और इसे भी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे पीसकर इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन ले लिया है और छन्नी की सहायता से हम इसे छान लेंगे, क्योंकि इसमें हमने इलायची डाली है और इसके छिलके जो है बहुत अच्छी तरह से नहीं पिस पाते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे छान लेंगे, जिससे अगर कुछ भी बचता है एक्स्ट्रा तो वो छनकर निकल जाए और हमें एक फाइन पाउडर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दरदरा हिस्सा बचा हुआ है, तो उसे हम अलग कर देंगे। और अब हम उसी मिक्सर जार में दालिया को डालकर इसका भी फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे और इसे भी छन्नी की सहायता से छान लेंगे। तो सबसे पहले हम काजू कतली बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, दालिया की बनी हुई ये कतली आपको बहुत पसंद आएगी और इसे कोई भी खाएगा तो वो गैस नहीं कर पाएगा कि आपने इसे काजू से नहीं बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, छानने से ये दरदरा हिस्सा छन्नी में आ गया है, तो इसे हम अलग कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और अब हम इसमें डालेंगे दूध की मलाई। अगर आपके पास दूध की मलाई खट्टी नहीं है तो आप यहाँ पर दूध का भी इस्तेमाल करके इसे तैयार कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप घी ज़रूर डालें, और अगर आप दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मलाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो घी को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मलाई में घी की मात्रा बहुत बढ़िया होती है। घी और मलाई डालकर यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध डाल रही हूँ और इसका हम एक डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे गूंथना है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर डो को तैयार कर लिया है और इसी डो से 6 तरह की मिठाइयाँ बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डो का एक हिस्सा ले लिया है। इस डो में से मैंने थोड़ा सा आटा रख दिया है और बाकी का मैं इसे लेकर बेल रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक पॉलीथीन ली है और इसमें हमने घी नहीं लगाया है, बस हम इस डो को रख कर और इसे हम बेल लेंगे और इसे हमें चारों तरफ स्क्वायर शेप में बेलना है। तो सबसे पहले मैं इसे इस तरह से बेलन की सहायता से बेलकर चारों तरफ से इक्वली फैला लूँगी। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। जैसे कि आपने देखी होगी काजू कतली, इतनी ही मोटाई रखनी है इसकी। तो हम किनारे से एक्स्ट्रा जो आटा है उसे हम निकाल लेंगे और इसे हम एक स्क्वायर शेप में तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, काजू कतली बहुत महंगी मिलती है और कभी कभी जेब अलाउड नहीं करता है कि हम इतना पैसा केवल एक मिठाई के लिए खर्च करें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम बहुत ही कम खर्च में काजू कतली घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर स्क्वायर शेप में इसे तैयार कर लिया है और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम अलग कर लेंगे और बाद में उसकी हम दूसरी मिठाइयाँ तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर एक स्केल ले लेंगे और इसे स्केल की नाप से किनारे पर इस तरह से निशान लगाते जाएंगे, जिससे कि हमारी सारी मिठाइयाँ इक्वली बनकर तैयार हों और सबकी शेप एक जैसी आए। और अब हम स्केल को इस तरह से रख कर और चाकू की सहायता से इसमें कट लगा लेंगे। हम इसे अंदाजे से भी काट सकते हैं, लेकिन अगर स्केल रखकर इसे हम कट करेंगे तो ये एकदम इक्वली, जैसे बाजार में सारी काजू कतली एक बराबर होती है वैसे ही हमारी काजू कतली बनेगी। तो यहाँ पर डायमंड शेप देने के लिए स्केल को हम इस तरह से तिरछा रखेंगे और कट लगाते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने
कतली को कट कर लिया है और ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है और सारी कतली एक शेप में बनी हुई है। अगर आप इसे किसी को खिलाएंगे तो वो गैस नहीं कर पाएगा कि आपने इसे दालिए से बनाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कतली को काट लिया है और ये देखिए सारी कतली एक शेप में बनी हुई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया ये कतली लग रही है और ये अभी थोड़ा सॉफ्ट है, आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें तो ये सेट हो जाएगी अच्छी तरह से। और जो एक्स्ट्रा डो है जिसकी शेप नहीं बनी है तो उसे हम निकाल कर अलग कर लेंगे, उसे हम अगली मिठाई में इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स लग रही है ना एकदम बाजार जैसी काजू कतली और खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। तो फ्रेंड्स अब हम दूसरी मिठाई बनाएंगे, इसके लिए कतली से जो हमने आटा निकाला था उसे लेकर अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और मैश करने के बाद इसके मैंने दो हिस्से कर लिए हैं तो एक हिस्से को हम अलग रख देंगे। और इस डो से हम दो हिस्से करेंगे तो हम इसे रोल बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक हिस्सा लेकर इस तरह से मैं इसे गोल शेप देते हुए हम इसे लंबाई में इस तरह से रोल करते जाएंगे। फ्रेंड्स पॉलीथीन में कुछ लगाना नहीं है, बस आप पॉलीथीन को ऐसे ही ले लें और इस तरह से रोल कर लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया बन गया है। पॉलीथीन को एक हाथ से दबा कर रखें जिससे इधर उधर ये हिले ना, तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ये देखिए एक रोल तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बचे हुए इस डो से एक और रोल तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने कोई कलर अभी नहीं मिलाया है, जब मैं डो लगा रही थी तो मैंने घी डाला था गाय का, इसके लिए इसका हल्का सा कलर येलो है और दालिया हल्का सा येलो होता है तो इसलिए मैंने इसमें अभी कोई कलर नहीं मिलाया। आप चाहे तो इसमें ऑरेंज या रेड कलर मिलाकर, आपको जो पसंद है ग्रीन कलर मिलाकर आप इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर दो रोल्स तैयार किए हैं और इसे हम चाकू की सहायता से इक्वली काट लेंगे। हाथ से आप इसको अच्छे से शेप दे दें। अभी ये डो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, तो हम इसे इस तरह से लेकर शेप दे देंगे तो ये बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। तो इस तरह हम सारे रोल्स को थोड़ा सा शेप दे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मिठाइयाँ तैयार हो गई है, अब हम नेक्स्ट मिठाई बनाएंगे। और ये भी मैं रोल्स बना रही हूँ तो इसमें हम डालेंगे रोज़ कलर, मुझे रोज़ कलर बहुत पसंद है तो मैंने यहाँ पर रोज़ कलर डाल दिया है। कलर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है रोज़ कलर लेकिन कलर बहुत प्यारा लगता है तो, और इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है और इसका भी हम इसी तरह से रोल तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स आप इन मिठाइयों को बिना गैस जलाए बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही कम टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसके दो रोल्स तैयार कर लिए हैं और इसे भी हम चाकू की सहायता से इक्वली कट कर लेंगे और किनारे से दोनों तरफ से शेप दे देंगे जिससे ये देखने में अच्छा लगे। हमारे रोज़ रोल भी तैयार हो गए हैं और अब हम नेक्स्ट मिठाई बनाएंगे। तो अब हम बनाने वाले हैं बर्फ़ी। बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डो में ऑरेंज कलर डाल दिया है और उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया ऑरेंज कलर इसमें आ गया है। तो अब हम इसको इस तरह से हाथ में थोड़ा सा डो ले लेंगे और इसकी गोल बॉल बनाकर फिर इसे इस तरह से हाथ से चपटा कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह हम सारी बर्फ़ी तैयार कर लेंगे। तो बर्फ़ी हमने तैयार कर ली है और फ्रेंड्स देखने में ये बहुत ही बढ़िया लगती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। हम इसे ऊपर से काजू या बादाम से गार्निश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर काजू से गार्निश किया है और हम यहाँ पर पिस्ते को भी काटकर इस तरह से लगा देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए लग रही है ना मार्केट जैसी बर्फ़ी, एकदम टेस्टी और एकदम हेल्दी। तो फ्रेंड्स इस बर्फ़ी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी और अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे ऑरेंज रोल। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डो में ऑरेंज कलर मिलाया हुआ था तो जैसे हमने और रोल्स बनाए हैं वैसे ही इसे हमें बनाना है। तो इस तरह से मैंने इसका रोल्स बना लिया है, उसको इस तरह से हम दो हिस्सों में बांट लेंगे और उसके रोल्स तैयार कर लेंगे। बचे हुए आटे से हम एक और रोल्स तैयार करेंगे। फ्रेंड्स ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है तो इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए जिससे कि ये सेट हो जाए और सेट होने के बाद हम इसे कट कर लें। मैंने इसे आधे घंटे फ्रिज में रखा था, आधे घंटे बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और अब हम इसे इक्वली कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स आसानी से ये कट हो जाएगा, इसकी शेप जो है वो ख़राब नहीं होगी। इक्वली शेप में इसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद थोड़ा सा हम इसे हल्की सी शेप दे देंगे थोड़ा थोड़ा। फ्रेंड्स तो इस तरह से आप मिठाई तैयार करेंगे तो आपको घर पर ही बहुत ही बेहतरीन मिठाई खाने को मिलेगी और आपको बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो हमने यहाँ पर ऑरेंज वाले रोल्स को इस तरह से तैयार कर लिया है और ये देखने में भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स अब जो थोड़ा सा डो बचा था
तो उससे मैंने इस तरह के पेड़े तैयार कर लिए हैं। लेकर थोड़ा थोड़ा डो लेकर हाथ में रोल कर ले और उसे चपटा करके कोई भी डिज़ाइन से इस तरह से प्रेस करके डिज़ाइन बना ले, तो इस तरह से हमारे पेड़े भी तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसे काजू, पेड़े, बर्फ़ी और अलग अलग कलर मिलाकर कई तरह के रोल्स बना सकते हैं। आपने देखा यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर 6 तरह की मिठाइयाँ तैयार की है। आप एक डो बनाकर कई तरह की मिठाइयाँ तैयार कर सकते हैं और ये सारी बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, और बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, आप इन मिठाइयों को अलग अलग फ्लेवर भी दे सकते हैं, जैसे आप इसमें केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं। अलग अलग मिठाइयों में अलग अलग फ्लेवर देकर भी आप इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। जैसे आप रोज़ एसेंस डाल सकते हैं, केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं, इससे मिठाइयों का फ्लेवर भी अलग हो जाएगा और आपको एक ही डो में से अलग अलग मिठाइयों का फ्लेवर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर बनाएं और दिवाली में इसे बनाकर लक्ष्मी माँ को भोग लगाएं और उनका आशीर्वाद लें। दीपावली की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।